हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोके चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रहा मेरा लैपटॉप और हमने जो है अपना डेटा कलेक्ट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में आपसे वही बताएंगे कि हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं और कैसे आपको जो है आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस स्मार्ट नोके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो बेल आइकन से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम बताने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, क्योंकि आपको पता है SSC जो MTS है उसका जो कटअप है वो हर स्टेट में अलग अलग जाएगा। यानी कि कोई भी यूट्यूबर्स हो या फिर कोई भी प्रेडिक्ट करने वाला हो, ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपकी एक्चुअल ओवर जो है कटअप कितनी जा सकती है। तो हर स्टेट में डिफरेंट होगी, हर स्टेट में आप जानते हैं जब अलग अलग कटअप होगी तो फिर कितनी जा सकती है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कि जो हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो हमने पोलिंग किया था, जिसे आधार पर बताया था कि हर स्टेट में कितनी जो है संभावना है, कितना कटअप कम जाएगी, कितनी ज़्यादा जाएगी, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में जो जनरल कटअप गई थी दोस्तों, वो है आपकी, जानते हैं आप, 82। जी हाँ दोस्तों, 82 कटअप गई है आपके बिहार में यहाँ पे। और बिहार में कटअप अगर इतनी गई है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ऑल अदर स्टेट में कितनी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन का दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी फाइनल कटअप की बात करो, तो जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि 82 कटअप जो है उसे थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये 82 से 81 के अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है। तो मैं सिर्फ जनरल की कटअप बताने वाला हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कटअप बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल की कटअप बता रहा हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर कैटेगरी बताऊँगा। तो ये हो गया बिहार का आपका। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें इसके बाद की, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि आपकी जो कटअप है 75 है। आप देख सकते हैं बाजू बाजू वाले स्टेट्स में, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश एकदम बाजू बाजू में है, और उनके कटअप में कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे 75 कटअप गई है टायर वन की, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली जो फाइनल कटअप की जाने की बात है, यहाँ पे 73 का दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 73 का दिखा रहा है, या जो आपने पोलिंग के हिसाब से हमें वोटिंग किया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन है अनरिजर्व के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके 73 नंबर के आसपास में बन रहे हैं, तो आप जरूर जो है सेफ जोन में माने जाएंगे। यहाँ पे कोई आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अंडमान निकोबार आइसलैंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 71 कटअप गई थी, और यहाँ पे जो है 71 पॉइंट में ही है समथिंग। तो यहाँ पे कटअप में कोई बदलाव नहीं हो रही है आपकी, ये अप्रॉक्सीमेटली कटअप उतनी रहेगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो झारखंड की कटअप की बात करें, तो दोस्तों झारखंड में अगर अनरिजर्व की कटअप की बात करें, तो यहाँ पे कटअप गई है आपकी दोस्तों 84। जी हाँ दोस्तों, 84, यानी बिहार झारखंड यहाँ पे कटअप का लेवल जो है थोड़ा हाई है। जबकि यूपी में जो लोगों का जो अनुमान था वो था कि वो एवरेज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि यूपी की कटअप कम हो गई और बिहार और झारखंड कटअप ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे अगर आप झारखंड की बात करें, तो वहाँ पे 84 कटअप गई थी, लेकिन जो नई कटअप आ रही फाइनल सिलेक्शन के लिए, कि यहाँ पे जो ओवरऑल कटअप कितनी जा सकती है, कितने वालों को जो सीट मानी है, तो यहाँ पे आप बता रहे 83.20। जी हाँ दोस्तों, यानी 83 अगर आपके मार्क्स हैं, आसपास में भी हैं दोस्तों, आपके पास फुल चांस है अभी भी, आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम उड़ीसा पे। उड़ीसा में अगर बात करें, तो उड़ीसा में देखिए अनरिजर्व कटअप जो गई थी वो थी 73, 1230 बच्चों का जो था यहाँ पे चयन हुआ था। तो बात ये तक जो कटअप है, यहाँ पे देखिए फिर से कटअप कम हो गई, यानी कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है, फिर ऊपर नीचे, ये इसी प्रकार का है। तो इसलिए कटअप में जो प्रेडिक्ट करना है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जो है बच्चे हैं। अब बच्चों ने जहाँ पे एग्जाम्स दिए हैं, अगर वहाँ पे उन्होंने टायर टू का एग्जाम नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली कटअप का जो लेवल है फिर से गिन जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि जो सेकंड टायर के लिए चुने गए थे बच्चे, वो जो हाई स्कोरिंग बच्चे हैं, वो पूरा तरह से एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए। जब तक ये बात का जब तक सही से मालूम नहीं पड़ता किसी को, और ये तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा, तो जब तक ये चीज़ें नहीं साफ हो जाती, तब तक जो कटअप है इसी प्रकार ऊपर नीचे आपके पोलिंग के हिसाब से जो हम ये सब करते हैं, जो सर्वे, उसके आधार पर ही हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शंस नहीं हमारे पास। वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पे अगर कटअप की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कटअप है 75। तो यहाँ पे भी जो कटअप है आपके 73 दिखा रही है यहाँ पे पोलिंग के हिसाब से। तो 73 के आसपास में अगर आपके नंबर है वेस्ट बंगाल के, तो अनरिजर्व में आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है आपको सेलेक्ट होने में। कर्नाटका की बात करें, तो कर्नाटका में देखिए जो कटअप गई थी वो 75.25 थी, और यहाँ पे जो आपने बताया वो 71 तक दिखा दिया। जी हाँ देखिए, यहाँ पे कोलिंग के हिसाब से आपने 71 दिखा दिया। अगर 71 के आसपास में आपके नंबर है, तो आप कर्नाटका में सेफ है, यहाँ पे सेफ स्कोर आ जाएगा। ये सब अवॉर्ड्स जो है वो आपने ही किया था, कोई इसमें वो नहीं है दोस्तों, आपकी ही वोटिंग्स जो है हम इसमें कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो है आपके लिए वीडियोज लेके आते हैं। तो ये आपका ही रिपोर्ट है, मैं सिर्फ पढ़ने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर हम बात करते हैं केरला की। तो ऑब्वियसली केरला की तो कटअप हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा जाएगी,
बट यहाँ पे कट ऑफ 81 है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से तो कमी है, केरला में कट ऑफ ज़्यादा जाती थी। तो यहाँ पे भी आपने जो अपना प्रेडिक्शन दिया वो 79 पॉइंट समथिंग में दिया है, तो 79 के आसपास में अगर आपके कट ऑफ है तो आप इजीली जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी चिंता की जरूरत नहीं है आपको कुछ खास। 73 के बाद आप आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वालों में देखिए, अगर अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ गई है 75। जी हाँ दोस्तों, 75 कहीं है, कहीं 81 है, कहीं 82 है। देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब आपका जो सेफ स्कोर है वही जो है संतुलित नहीं है। मतलब किसी राज्य में आप 75 आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है और किसी राज्य में आप 75 में इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी अनरिजर्व में। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होगी कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी प्रेडिक्ट करने वाला हो, ये आपको श्योरिटी नहीं दे सकते इस समय कि आपका मार्क्स अगर 70 भी हैं तो ओवरऑल आप स्टेट में सेलेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी दोनों ही चीज़ें हैं, दुविधा में रहेगी। लेकिन अभी आपको जो है निराश नहीं होना चाहिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता। आपके हाथ में है सिर्फ एग्ज़ाम जो है देना, और उनका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, उसके बाद जो है सब कुछ आपको छोड़ देना है, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों हम अगला वीडियो आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे बाकी के स्टेट्स के, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आएगा तभी हम सेकंड पार्ट आपके लिए बनाने वाले हैं, और इसके आगे के जो कटअप है उसमें सारी कैटेगरी वाइज बताएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।